कुंभ मेला के दूसरे शाही स्नान के अवसर पर मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शाही स्नान के दौरान संतों सहित लाखों भक्तों ने यमुना में डुबकी लगाकर स्वयं को धन्य किया। शाही सवारी के शाही स्नान घाट पर पहुंचते ही संतों एवं भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ तीनों अखिल भारतीय अनि अखाड़े खालसा एवं संप्रदाय के श्री महंत महामंडलेश्वर एवं संतों ने सर्वप्रथम हनुमान जी के प्रतीक चिन्ह पर अपने अपने अखाड़ों के निशान को स्नान कराया। इसके साथ ही उन्होंने भी यमुना में डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं ने भी स्नान के अवसर पर यमुना स्नान करके पुण्य कमाया और आनंद से सरोवर जय श्री राम राधे राधे एवं यमुना जी का जय घोष करने लगे, जिससे संपूर्ण क्षेत्र जयकारों से गुंजायमान हो उठा। वही प्रशासन द्वारा स्नान पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखे गई, जहां मेला क्षेत्र में शाही घाट के सभी संपर्क मार्गों पर बैरिकेडिंग करने के साथ ही घाटों पर पुलिस कर्मियों सहित महिला पुलिस की भी तैनाती की गई। वहीं आईजी ए सतीष गणेश, डीएम रमणी चहल, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर आदि अधिकारियों ने नाव में बैठकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा मोटर बोट से भ्रमण यमुना में करते हुए लगातार नजर बनाई हुई थी। इसी दौरान संतों ने भी यमुना के जलभराव एवं सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया। देखिए, ऐसा है कि ये कुंभ पूर्व वैष्णो बैठक का दूसरा शाही स्नान है और जिस तरह का वातावरण यहाँ पे सृजित हुआ है, हमारे साधु महात्मा और उनकी जितने भी श्रद्धालु हैं एक साथ माँ यमुना जी के पावन तट पर इस वक्त आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। अत्यंत उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, बहुत अति प्रसन्नता के साथ उन्होंने आज यहाँ पे स्नान प्रारंभ किया है। पूरा वातावरण जो है वो एक तरीके से कुंभमय हो चुका है। प्रशासन की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं से साधु और संत समाज के समस्त हमारे महात्माओं ने प्रसन्नता व्यक्त की है और हमें अपना आशीर्वाद परोसा है। तो इस शुभ अवसर पर हमारे जितने भी ब्रज के और ब्रज के बाहर से आए हुए जितने भी हमारे तीर्थगण हैं, यात्रीगण हैं, हम उनको सम्मानपूर्वक यहाँ पर निवेदन करते हैं कि वो आएं और माँ यमुना जी के गोद में स्नान करके पुण्य प्राप्त करें। मुझे इतना ही कहना है। देखिए, ऐसा है, इस पूरी व्यवस्था की धुरी यहाँ के जिलाधिकारी और युवा एसएसपी के कंधों पे थी। उन्होंने अपने होमवर्क को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, जिसका परिणाम है कि आज एकादशी के परिक्रमा के साथ साथ यहाँ पे जो शाही स्नान का द्वितीय पर्व था, ये दोनों पर्व एक साथ हुए, लेकिन किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हुई, बल्कि हमारे महात्माओं ने अत्यंत प्रसन्नता इस पर जाहिर की है। तो इसका पूरा श्रेय मैं यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को देता हूँ।